सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उसका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जब हर कोई बहाना बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा रहा था। प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है। रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। उन हाथों को कभी मत भूलना जिसने आपको ऊपर उठाया है। आज के दिन आपको हर वो खुशी दे जिसकी आपने भगवान से उम्मीद की है। आज का पंचांग 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 3:27 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्र नामक नक्षत्र सुबह 10:59 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 5:41 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मेरा से 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। अपनी एकाग्रता और विचार शक्ति इस समय अपने चरम पर है और इसीलिए आप अपने आसपास के लोगों की स्थिति के बारे में और भी संवेदनशील हैं। इससे आपको पिछले कुछ मतभेद सुलझाने में मदद मिलेगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिससे आप काफी पहले अलग हो गए थे। यह समय आपसे मतभेद भुलाकर आगे बढ़ने का है। इसके लिए आपको कुछ झुकना ही क्यों न पड़े झुक जाइए। पारिवारिक सुख सुविधाओं को लेकर खर्चों की अधिकता रहेगी परंतु आय की स्थिति अच्छी होने से तनाव नहीं रहेगा। बच्चों के साथ धैर्य रखते हुए व्यवहार करें जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और आपका मान सम्मान भी रहेगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए योजना बनाकर काम शुरू करें। समय की शुरुआत हो रही है। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन करते समय हड़बड़ी न करें। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित अवसर प्राप्त हो सकता है। जुड़ी परेशानी है तो उसका निर्णय आपके पक्ष में होगा। महिलाओं को काम पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी गलती को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। रिलेशनशिप से जुड़े अपनी जिम्मेदारियों को समझें। महिलाओं को सेहत संबंधी दिक्कतें रहेगी। शरीर की बढ़ती गर्मी तकलीफ का कारण भी हो सकती है। आज के दिन आपके लिए जरूरी कामों को समय से पूरा करने के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करके आपके कामों को लटका सकते हैं। आपके पिताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, इसीलिए आप समय रहते डॉक्टरी परामर्श लें। विवाहित जीवन में चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। संतान को नौकरी को लेकर घर से दूर जाना पड़ सकता है। सावधानियां। मेहनत के बावजूद कम परिणाम मिलने से मन कुछ विचलित रह सकता है। अत्यधिक कार्यभार की वजह से आप शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस करेंगे। विद्यार्थी सोचने समझने में बहुत अधिक समय लगाने से हाथ में आई कोई उपलब्धि खो सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। मंगल ग्रह आपके प्रेम की इच्छाओं को जगा रहा है और आपके लड़ने की भावना और आपका विश्वास आपको अपने साथी के साथ या आपके साथी के पास ले जा रहा है। आपके रिश्ते में प्रेम के भाव उसी तरीके से महत्वपूर्ण है जैसे चाय में चीनी की मिठास। आप अपने प्रेम या रोमांस में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। संगीत को महसूस करें, सब कुछ उज्जवल और रंगीन है। समय अनुकूल है। बात करते हैं करियर की। आपने हमेशा अपना कार्य बखूबी के साथ किया है और आज आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन और अनुमोदन भी जीतेंगे। आपकी ईमानदारी, रचनात्मकता और काम के प्रति समर्पण देखा जाएगा और आपको इसका पुरस्कार फल या उपहार भी मिलेगा। आज के दिन अपनी कार्य से संबंधित प्रतिबद्धताओं का पूरा समय आज के दिन अपने कार्य से संबंधित प्रतिबद्धताओं का पूरा करने में व्यस्त रहेगा, लेकिन फिर भी आप खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बात करते हैं सेहत की। आपको आज छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां रखने से आप आसानी से उनसे बच सकते हैं। जंक फूड ना खाएं क्योंकि उनसे पेट दर्द हो सकता है।
आपको यह समझने की भी जरूरत है कि आपके जीवन में तनाव का कारण आपका काम नहीं बल्कि आपका खाना है। आज एक हेल्थ क्लास ज्वाइन कर लें, इससे आपको लंबे समय तक के लिए फायदा होगा। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें, बहुत शुभ रहेगा। चावल का दान करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।